जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज तारीख है 19/5/2024, दिन है रविवार, सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं, थोड़ा सा काम है, कोई बात नहीं, चलते नीचे करते हैं पूजा पाठ, उसके बाद करेंगे नाश्ता। पूजा पाठ हो चुका है और देख सकते हैं आ चुका है हमारा नाश्ता, और गुन्नू भी हमारे बगल में आ चुकी है, देख सकते हैं, और करते हैं नाश्ता। नाश्ते में है चिल्ला और चटनी, और अपना यही है आज का अपना रास्ता। करते हैं नाश्ता और टेस्ट करके आपको बताते हैं चिल्ला कैसा बना है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में, तो खा के दिखाते हैं आपको। बहुत ही गर्म है, काफ़ी गर्म गर्म बिल्कुल आया है तावे से, और ये हमने लिया चटनी में, और ये अपना चटनी देख सकते हैं बेहतरीन लग रही है। और करते हैं इसको टेस्ट, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। और अपना एक बाइट और लेके दूध पीते हैं, और अपना करते हैं इसको फिनिश करते हैं इसको, और निकलते हैं अपना काम पे। आज संडे है, चलते हैं। पिकअप अपना आ चुका है, और इसी बस से अपना माल ये देखिए उतर रहा है, और अपना गाड़ी करवाते हैं लोड। गाड़ी हमने लगा दी है, ये अभी उतार रहे हैं, और फिर उसके बाद गाड़ी में डालेंगे हमारी, चलवाते हैं और निकलते हैं। डाल डलवा के निकल चुके हैं, पहुँच चुके हैं अकरम बिरयानी वाले के पास, और ये रोड जो है देख सकते हैं। और अपना हमें जाना है पहाड़गंज, तो निकलते हैं पहाड़गंज के लिए। रिंग रोड पे आ चुके हैं, और देख सकते हैं आप लोग अपना ये पथड्डे वाला फ्लाईओवर है, और आज संडे है फिर भी देख सकते हैं काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है। और ये आ चुके हैं हम ईदगाह वाली, जो आपकी रेड लाइट है उससे पहले स्टीफन और हॉस्पिटल जो है उस रेड लाइट पे हैं हम, और देख सकते हैं ये आ चुके हैं हम पहाड़गंज वाले रोड पे, और ये पहुंच रहे हैं पहाड़गंज के अंदर। इसके पीछे अपना माल उतरेगा, तो पहुंचते हैं और उतरवाते हैं अपना माल, और देखते हैं दूसरा अपना कहाँ का पिकअप आता है। दूसरा पिकअप अपना आ गया था, हमें करोल बाग से जाना है करावन नगर, और वो माल अपने उतार दिया था, वहाँ शूट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। और निकलते हैं, करोल बाग मार्केट है पूरी, देख सकते हैं नाई वालन करोल बाग है पूरा, और ये माल यहाँ पड़ा हुआ है, यही माल हमारी गाड़ी में हो रहा है लोड। लोड करा लिया है और निकल चुके हैं, पहुँच चुके हैं अपना पहाड़ी वाले रास्ते पे, और देख सकते हैं आप लोग, और चलते हैं आगे। आगे का सफ़र आपको कंटिन्यू कर दिखाते हैं, और ये अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर था, और आ चुके हैं हम निमार पुलारी रोड पे, देख सकते हैं। और ये अपना सीधा निकलेंगे यहाँ से, खजूरी होते हुए अपने को जाना है, तो पकड़ते हैं मेन जो अपना रोड है उसे। और ये आ चुके हैं हम अपना माल रोड, मेन जो रोड है मेन रोड वाला, वहीं होके निकलना है अपने को, तो देख सकते हैं निकल चुके हैं हम, और अपना पहुँचते हैं अपना ये अपना करावनगल वाले रोड पे आ चुके हैं, देख सकते हैं फ्लाईओवर काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। और आगे थोड़ा चल के अपने को राइट में अपना माल उतरेगा, तो पहुँचते हैं और उतरवाते हैं अपना माल, कर पाते हैं खाली। पहुँच चुके हैं अपना माल, देखिए पड़ा हुआ गाड़ी में, और ये बंदे खाली करेंगे, खाली करवाते हैं और अपना निकलते हैं। खाली करवा के माल खाली करवा लिया है, और निकल चुके हैं देख सकते हैं हम, और अपने चलते हैं पार्किंग में, क्योंकि आज संडे कोई काम ऐसा खास नहीं आएगा, और खड़ी करते हैं गाड़ी। गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी थी, उसके बाद सो गए थे, और सोने के बाद अपना उठ चुके हैं, और आ चुका है नाश्ता। नाश्ते में आपको दिखाते हैं आज हमारा क्या बना है। नाश्ते में है अपने मुरमुरे वाले जो चने होते हैं वो है, और एक भुजिया, और अपनी चाय है, यही आज का नाश्ता। और खाना भी हम नहीं खा पाए आज, तो थोड़ा भूख सी लग रही थी, मैंने कहा ये बना दो, तो काफ़ी कंप्लीट पेट में रहेगा तो लगेगा नहीं है, भूख लग रही है। और करते हैं इसको टेस्ट, और ये देखते हैं बहुत ही बेहतरीन बने हैं, और देख सकते हैं सो के मैंने उठा हूँ तो बाल भी मेरे ऐसे ही हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, करते हैं हम इसको फिनिश, और ये ब्लॉग अपना करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भी शुभ रात्रि और जय हिंद। और कुछ हमारी पुरानी फोटोग्राफर दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं, और ये भी देखिए, और ये मेरी बिटिया रानी, तो करते हैं फिनिश।